एकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर्स के नाम से जाना जाता है। 2021 में एकेडमी अवार्ड्स ने 93 साल पूरे किए। पुरस्कारों के नामांकन की घोषणा का सीधा प्रसारण प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास ने किया था। फिल्म फीलिंग थ्रू को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। साउंड ऑफ मेटल नामक दूसरी एक फिल्म भी नामांकित की गई है। ऑस्कर पुरस्कार 25 अप्रैल को आयोजित किए गए हैं। साउंड ऑफ मेटल को 5 अन्य श्रेणियों के साथ बेस्ट पिक्चर में भी नामांकित किया गया है। फिल्म फीलिंग थ्रू एक डेफ ब्लाइंड व्यक्ति के देर रात न्यूयॉर्क शहर में एक युवक से मिलने और उनके गहरे रिश्ते की कहानी है। फिल्म 18 मिनटों की ही है। कर्णबधिर व्यक्ति के चरित्र को अभिनेता रॉबर्ट टरांगो, जो खुद डेफ ब्लाइंड है और उन्हें अशर सिंड्रोम भी है, वे निभा रहे हैं। कर्णबधिर अभिनेत्री मार्ली मैटलिन और दुभाषिक जैक जेसन फिल्म के कार्यकारी निर्माताओं में से है। मार्लिन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह नामांकन का जश्न मना रही थी। फिल्म साउंड ऑफ मेटल में दो सुनने वाले कलाकार हैं, जो फिल्म में कर्णबधिर पात्रों की तरह अभिनय कर रहे हैं। इससे एक विवाद शुरू हो गया है, जिसमें कई लोगों का कहना है कि कर्णबधिर अभिनेताओं को ही भूमिका के लिए चुना जाना चाहिए। जब कोई फिल्म कर्णबधिर पात्र पर होती है तो उसकी भूमिका में कर्णबधिर व्यक्तियों को ही लेना चाहिए। कर्णबधिर अभिनेताओं को कर्णबधिर भूमिका के लिए लेना चाहिए। यदि एक डेफ ब्लाइंड पर चरित्र हो तो डेफ ब्लाइंड को ही भूमिका में लेना चाहिए, और यह सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए होना चाहिए। कर्णबधिर, डेफ ब्लाइंड और अन्य दिव्यांग कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे कई प्रतिभाशाली निर्देशक, संपादक, लाइट टेक्नीशियंस आदि हैं, इसलिए उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। जब एक कर्णबधिर व्यक्ति को कर्णबधिर की भूमिका के लिए चुना जाता है तो वह चरित्र के साथ न्याय करने में सक्षम होते हैं, और इसीलिए अन्य कर्णबधिर लोगों से जुड़ सकते हैं। वही डेफ ब्लाइंड और अन्य दिव्यांग अभिनेताओं के लिए है। यह सुनने वाले दर्शकों को दिखाएगा कि प्रतिभाशाली कर्णबधिर, डेफ ब्लाइंड और अन्य दिव्यांग अभिनेता भी है। इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए।